जैसा आप देख रहे हो आज के इवेंट में यहाँ पे जो पेंटिंग्स जो दिखाई गई है जिसमें हमारे कश्मीर की खूबसूरती को और अच्छे से इसमें कैप्चर किया गया है, ना केवल इसमें हमारे डिफरेंट सीजन्स के बारे में बल्कि यहाँ पे और कोविड के दौरान भी इसमें कुछ चीज़ों को इसमें कैप्चर किया गया है। तो आप लोगों के माध्यम से आप सब इसको जो है और प्रचार प्रसार इसमें कर सकते हैं, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमारे आर्टिस्टों को सब दुनिया के सामने ला सकते हैं। सर, इसी महीने G20 होने वाला था, किस तरह की प्रिपरेशन में? देखिए, G20 होने वाला है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। कामों में जो हमने शुरू में डेडलाइन दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि भाई 15 अप्रैल तक आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, मुझे वो पूरा याद है अपनी जो हमने डेडलाइन उस समय दी थी। तो उसके बाद जो उसमें रात में भी काम किया, फिर बीच में रमजान का महीना भी आया, उसके बाद फिर बारिश जो है, आप भी जानते हैं, आप लोग यहाँ के रहे हैं, मैं तो पहली बार इस मौसम को देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता था अक्सर, लेकिन इस बार ये भी हो रहा है। तो फिर भी आपने देखा होगा जैसे ही हमें थोड़ा सा मौका मिलता है एकदम तुरंत उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और बिफोर हैंड जो हम कह रहे हैं, अब तो आप लोगों को भी पहले शायद भरोसा नहीं होता होगा, पर शायद अब तो भरोसा हो रहा है कि अब ये फिनिशिंग टच पे ये आ चुके हैं। पेंटिंग भी साथ के साथ चल रही है, ब्लैक टॉपिंग भी साथ के साथ चल रही है, जहाँ कहीं टाइलें मिसिंग है वो भी साथ के साथ चल रही है, तो हम उसको पहले ही कर लेंगे। आप जो कौन चेयरमैन थे, आप क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, वो मेरे और गवर्नमेंट के बीच में है, वो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता। टूरिज्म को कितना मुनाफा होगा? जो बहुत मुनाफा होने वाला है, क्योंकि G20 आप जानते ही हैं, हमारी 85% पॉपुलेशन, GDP, आप सब इसमें मतलब शामिल है। तो जब ये G20 यहाँ होगा, और जो कश्मीर जो जाना जाता है टूरिज्म के लिए, इसकी वादियाँ जो जानी जाती हैं, जब इसके एम्बेसडर्स बन के जब ये लोग आएंगे और वापस जब जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आने वाले हैं ये लोग, ये टूरिज्म से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, करेक्ट, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, तो अपने अपने मुल्क में फिर उसी हिसाब से इसको सामने प्रस्तुत करेंगे कि वहाँ हम क्या करके आए हैं, क्या देखा है, कैसे आगे बढ़ेंगे।